आज पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है। ऐसे में हर कोई उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हम जिस जगह पे मौजूद हैं, हमारे पीछे आप ये जो झोपड़ी है, जो कुटिया देख रहे हैं, इससे मुलायम सिंह यादव का गहरा नाता रहा है। तो क्या गहरा नाता है वो हम आपको दिखाएंगे। और इस झोपड़ी को आप देख रहे हैं, इस कुटिया को, लेकिन बाहर से ऐसी दिख रही है, जब आप इसमें अंदर जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस कुटिया में और दिखाते हैं क्या आखिर इस कुटिया का मुलायम सिंह यादव से क्या गहरा नाता है। तो इस कुटिया में आते ही आपको साफ तौर पे ये दिखाई देगा कि यहाँ पे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो है वो स्मृतियाँ, उनके जो पल, उनके जो बीते हैं, उनके जो कार्यकाल हैं, उनको तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से पूरा सजो करके रखा गया है आप देख सकते हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ मिलते हुए, वहीं उनके नीचे अगर दिखाएं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुलायम सिंह की तस्वीर, और उनके नीचे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनकी तस्वीर है, और फिर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के साथ। तो मतलब 5 प्रधानमंत्रियों के साथ की उनकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। साथ ही उनका जो कार्यकाल रहा है वो सब आप देख सकते हैं किस तरह से लगा हुआ है। दिल्ली के लाल किले पर समाजवादी पार्टी की पहली रैली जो हुई थी हरिकिशन सिंह सुरजीत के साथ, उसकी तस्वीर है। मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर जो है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ की तस्वीर। तो पूरे जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के जो कार्यकाल हैं उसको जो है एक सजो करके रखने का काम जो है यहाँ पे, एक बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चे देखें किस तरह से नेताजी ने जो अपने जीवन में कार्यकाल किए हैं उससे देख करके बच्चे जो है सीखें, और ये उससे उद्देश्य जो है ये पूरा जो है कुटिया को सजा दिया गया है। जी हाँ, तो आप ये कुटिया जो है समाजवादी कुटिया है, कौन समाजवादी कुटिया को नहीं जानता, ऋषि यादव जो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं, वो हैं जो इस कुटिया को संचालित करते हैं और लगातार जो है कोरोना काल से बच्चों की मदद करते चले आए हैं। तो ये देखिए लाइब्रेरी भी इन्होंने बना के रखी है, एक छोटी सी लाइब्रेरी है, और बच्चों को जो है इनका उद्देश्य संभवतः यही है कि समाजवादी पार्टी के जो नायक हैं, मुखिया जो थे मुलायम सिंह यादव, उनके बारे में बच्चे जो है अच्छी तरह से जान सकें और उनको श्रद्धांजलि देने का इनका ये जो है एक अनूठा प्रयास है। हर जगह पे आमतौर पे देखा जा रहा है कि लोग पुष्प अर्पित कर दे रहे हैं, फूलमाला चढ़ा दे रहे हैं, कोई ट्वीट कर दे रहा है, लेकिन पूरा उनके रंग में ही रंग डाला है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो है समाजवादी पार्टी का जो रंग है उस रंग से इस कुटिया को रंगा गया है, मतलब पर्दे लगाए गए हैं। और हमारे साथ ऋषि यादव, हम चाहेंगे ऋषि जी जरा सा इधर आइएगा। आप कैसे, आपके मन में आया कि ये होर्डिंग वगैरह लगा के इस तरह से बनाने का, क्यों विचार है? देखिए श्रद्धेय नेता जी दलित पिछड़े गरीब अल्पसंख्यक के नेता थे, और कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेता जी को मानने वाले हमारे देश से लेकर विदेश तक, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हमारे श्रद्धेय नेता जी को मानने वाले लोग थे। आज उनको, आज वो नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा लगातार हम लोगों के दिल में है, और जो उनके जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहते हैं, अपने श्रद्धेय नेता जी का ही प्रेरणा से हमने पूरे कोरोना काल में, जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा था, उस समय मैंने एक दिव्यांग परिवार को गोद लिया और मैंने एक पहलवान को गोद लिया, और कहीं ना कहीं मार्च 2020 से लगातार मैं गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ प्रतिदिन पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्कुट, फल, बाकी ड्रेस वितरण, जो भी सारी चीज़ें होती है, मैं मुहैया कराता हूँ। देखा जाए हर बार कुछ ना कुछ अनूठा आप करते रहते हैं। पिछली बार अखिलेश जी का जन्मदिन था तो सारे बच्चे यहाँ के अखिलेश के ही चेहरे में नजर आए मुखौटा। इस बार आपने मुलायम सिंह जी के पूरे जो उनकी स्मृतियाँ हैं उनको, आपने उनके कार्यकाल को जो अपनी इस कुटिया में सजो कर रख दिया, जैसे एक कहते हैं कि कोई एक सेमिनार वगैरह लग जाता है उसमें जो है सब रहता है। तो तस्वीरें देखिए, अगर मुलायम सिंह यादव जी जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में उन्होंने कुछ कहा था जो चर्चा का विषय बन गया था पूरे देश में कि आखिर मुलायम सिंह जी ने क्या कह दिया उनके कान, सारी तस्वीरें कैसे आप इकट्ठा कर पाए, कैसे सब किया आपने? देखिए आज हमारे नेताजी की पुण्यतिथि है, और हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो मेरा दर्द है उस चीज़ को हम लोग बयां नहीं कर सकते, और नेताजी के लिए हम लोग जो उनका जो कार्य था, हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि अपने नेताजी का जो कार्य था, और मैं, मेरी कोशिश रहती कि मैं काम करूं, मैं कहने पे तो भरोसा कम करता हूं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस तरह का हमारे नेताजी का हर गाँव में, पूरे भारत देश में मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस तरह का हम लोग तस्वीरों के माध्यम से, बुक के माध्यम से नेताजी का, हम कह रहे हैं कि
सच्चा समाजवाद क्या होता है कि अगर हमारे पास 10 रोटी है तो 1 रोटी हम भी किसी गरीब अनाथ को देकर खाएं, अगर हम 10 लीटर दूध की व्यवस्था कर सकते हैं तो 1 लीटर हम दान देकर लोगों की सेवा कर सकें। तो हमारे नेताजी हमेशा जो मतलब गरीबों की लड़ाई लड़े थे, पिछड़े अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़े थे। तो उनकी जो सोच थी, जो उनका विचार था, कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो उनका विचार था वो जिंदा है। उसी विचार को जिंदा रखने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमारे नेताजी, आप ये तस्वीर दे सकते हैं बच्चों को, मैं इस चीज़ से मैं बताऊँगा हमारे नेताजी कैसे शख्सियत थे। आप देख लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी के साथ। अच्छा ऋषि जी, एक बात अगर हम पूछें तो अभी आपके पास जैसे आप धन का अभाव है, इसलिए हमें लगता है कि इस कुटिया में ही आपने ये संग्रहालय बना रखा है। क्या अगर भविष्य में आपके पास पैसे वगैरह होते हैं तो नेताजी के एक संग्रहालय, बड़ा संग्रहालय बनाना चाहेंगे ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए और उनके स्मृतियों के बारे में बताने के लिए? देखिए, हम लोगों का जीवन नेताजी के लिए समर्पित है और हमारी कोशिश रहेगी लगातार, दिन प्रतिदिन कोशिश रहेगी कि हम लोग नेताजी के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें जो एक इतिहास मतलब लोग याद करें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सोच है आज यहाँ से शुरुआत है और यह कहीं ना कहीं एक चिंगारी निकलेगी, तो इससे अगर लोग प्रेरणा लेंगे, कहीं ना एक अच्छे काम की लोग नकल करते हैं, एक अच्छे काम अगर अच्छा काम रहता है तो लोग उसको कॉपी करते हैं। बिल्कुल, देखिए ऋषि यादव हैं, बहुत अच्छी सोच है इनकी और इन्होंने अपनी कुटिया को ही जो है नेताजी के संग्रहालय के रूप में बना के रख लिया है बच्चों को इनके जीवन काल से रूबरू कराने के लिए। और ये तो इनके विचार थे, हम बच्चों से जानेंगे कि बच्चे आज अपने नेताजी की पुण्यतिथि पे, श्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पे क्या कुछ चाहते हैं। आइए बच्चों से भी बात करते हैं। क्या मांगे बेटा? श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जीवन परिचय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करे सरकार। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न प्रदान करें। भारत रत्न किसको दिया जाता है, पता है आपको? यह सम्मान राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है।